वेलकम टू समझो टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, कि जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस तरह का मैसेज देखने को मिल जा रहे थे। जब भी वो फ़ोनपे में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रहे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा था, अनेबल टू ऐड बैंक अकाउंट। तो इस तरह का मैसेज देखने को मिल जा रहा था। इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि योर मोबाइल नंबर ऑन फोन पे लिंक टू मल्टीपल कस्टमर आईडी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जो अकाउंट है, जो कि आपका मोबाइल नंबर है, इसमें आपके मोबाइल नंबर से आपके बहुत सारे अकाउंट, जैसे कि मम्मी का अकाउंट, पापा का, भाई का, बहन का, ये सभी का अकाउंट नंबर उसी एक ही मोबाइल नंबर से लिंक होने की वजह से जब भी आप इसमें रिक्वेस्ट भेज रहे फ़ोनपे में, तो वो समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपको आपके मोबाइल नंबर पे वो ऐड नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए चेंज करवा लेना होगा। तो एक अकाउंट से एक ही नंबर आपको रखना होगा, तभी आप उसमें अकाउंट नंबर ऐड कर पाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा एक और सवाल आता है यहाँ पे, कि अगर एक ही नंबर तीन अलग अलग बैंक में भी है, तो आप आसानी से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में किसी तरह का सवाल होता है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।